इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रेट्स फिर से बढ़ गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस नए साल की शुरुआत कुछ पॉजिटिव न्यूज से हुई है, जहां अब निवेशकों को बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट पॉकेट में मिलेगा। सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, और तो और कुछ ऐसे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं जहां पर अब आपको 8% का भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इस स्कीम के बारे में और बाकी सारे स्कीम्स के बारे में जानने के लिए इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बारे में जहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, और अगर आप इसमें आज इन्वेस्ट करते हैं तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि कितना अब आपको बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट मिलेगा और आपके पॉकेट में और आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए आएंगे। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के चौथे क्वार्टर यानी कि आखिरी क्वार्टर जो होता है जनवरी से लेकर मार्च तक, इस दौरान कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। जैसे अब कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर आपको बढ़ता एक एक्स्ट्रा 1% ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सारे ही पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं। जी नहीं, अगर हम कुछ पॉपुलर स्कीम्स की बात करें जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, पहले इसका इंटरेस्ट रेट था 7.6% का और आज भी आपको उतना ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पहले इसका इंटरेस्ट रेट था 7.1%, आज भी उतना ही मिल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें 5-year रेकरिंग डिपॉजिट की, पहले यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 5.8% का और आज भी आपको 5.8% ही मिल रहा है। और तो और सेविंग्स डिपॉजिट की बात करें तो पहले भी आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था और आज भी आपको 4% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे यार, इसमें नहीं तो फिर किसमें? तो मैं आपको अब ऐसे लिस्ट बता देती हूँ जहां पर, ऐसे स्कीम्स के बारे में बता देती हूँ जहां पर अब आपको बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की। तो अगर हम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है, ये एक मंथली स्कीम है, यानी कि हर महीने आपको एक फिक्स्ड इनकम आएगा या फिर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आएगा, वो भी एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पर ही। इसका मतलब यह है कि आज अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इस महीने इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले महीने से आपको हर महीने एक फिक्स्ड डेट पर एक फिक्स्ड इनकम मिलेगा, एक इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको मिल सकता है। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है जहाँ पर अगर आप एक होम मेकर हैं, अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, हर महीने एक रकम चाहिए, एक पैसिव इनकम चाहिए, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये अकाउंट आप इंडिविजुअल बेसिस पर भी खोल सकते हैं, यानी कि आप इंडिविजुअल एक सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप दूसरों के साथ मिलकर एक जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल और जॉइंट अकाउंट की बात करें तो इंडिविजुअल अकाउंट में यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है 4.5 लाख का, और अगर हम जॉइंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है 9 लाख का। अब तो मैंने आपको बता दिया है कि मैक्सिमम अमाउंट या फिर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में। अगर इसकी मिनिमम अमाउंट की बात करें तो ये अकाउंट आप मात्र 1000 रुपए में शुरू कर सकते हैं, इतना कम अमाउंट है। और ये मैं आपको बता दूं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर हम इसके टेन्योर की बात करें, मैच्योरिटी की बात करें, तो ये 5 साल के मैच्योरिटी पीरियड के साथ आता है, यानी कि आज अगर आप ये अकाउंट खोलते हैं तो अगले 5 साल के बाद आपको जो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका वो वापस मिल जाएगा। प्लस पॉइंट इस स्कीम की ये है कि आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी के बाद मिल जाएगा, 5 साल बाद मिल जाएगा, और इस इन्वेस्टमेंट पर आप इंटरेस्ट रेट भी कमा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके इंटरेस्ट रेट की, तो पहले आपको मिल रहा था 6.7% का इंटरेस्ट रेट, और आज ये अपडेट होकर आज ये बढ़कर 7.1% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, यानी कि हर महीने अब आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट पर। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरी स्कीम की,
जहां पर आपको बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और दूसरी स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। अब मैं आपको बता दूं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स उन सारे व्यक्ति के लिए है, उन सारे ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो 60 साल के हैं या फिर उससे ज़्यादा उम्र के हैं। ये एक ऐसा स्कीम है जो आपके रिटायरमेंट के बाद आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम प्रदान करता है। मान लेते हैं आज आप काम करके रिटायर हो गए हैं, फिर भी आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपके पास जब नौकरी नहीं है, काम नहीं है और आपका एक मंथली जो सैलरी पहले आता था वो नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इसीलिए ये एक ऐसा स्कीम है जो आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी सहायता करता है ताकि आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिले, हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिले ताकि आप अपना गुजारा अच्छे से कर सको। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, जैसा कि मैंने कहा, सारे ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो 60 साल के हैं या फिर उससे ज़्यादा उम्र के हैं। और ये अगर हम इसके टेन्योर की बात करें तो ये भी एक 5 साल के टेन्योर के साथ आता है। 5 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 60 ईयर्स के हैं, 60 साल के हैं, तो आप 65 ईयर्स तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। अगर आपको इन केस इसका टेन्योर बढ़ाना है तो आप 3 साल के लिए इसे बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर इसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर आप इस अकाउंट में 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम ये हो सकता है 15 लाख रुपए तक का। और साथ ही मैं आपको ये बता दूँ, खास बात इस स्कीम की ये है कि आपको 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो पहले आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पर 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था और अब ये बढ़कर 8% तक का भी इंटरेस्ट रेट आपको दे रहा है। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए तीसरा पोस्ट ऑफिस स्कीम जो आपको बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक तरह का सेविंग्स बॉन्ड है या फिर एक गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह ही काम करता है, जहां पर आप सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं। इन रिटर्न आप उन्हें पैसे उधार में दे रहे हैं और गवर्नमेंट इन रिटर्न आपको ये देता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहेगा और मैच्योरिटी के बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता है। और साथ ही इस लेंडिंग पर, आप जो ये पैसे उधार पे दे रहे हैं, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी कमाने का मौका मिलता है। तो ये भी एक तरह का सेफ और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पर भी आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मिनिमम अमाउंट है और यहां पे कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, जितना चाहिए आप उतने सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करते हैं उस पर आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। पर अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में NSE में 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको अंडर सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। वहीं अगर हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो पहले ये इंटरेस्ट रेट आपको वहाँ पे मिल रहा था 6.8% का और अब ये बढ़कर हो गया है 7% का। अगला स्कीम है किसान विकास पत्र। ये भी एक तरह का सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है जहाँ पर आप मिनिमम 1,000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो किसान विकास पत्र है ये एज सिक्योरिटी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं। तो ये खास बात है किसान विकास पत्र की। अगर हम इसके टेन्योर की बात करें तो पहले जो टेन्योर था इसका 123 मंथ्स का था, यानी कि 123 महीने का था और तब आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 7% का ही। और आज इसका टेन्योर घटाकर 120 महीने कर दिया गया है, यानी कि 10 साल कर दिया गया है और आपको अब बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जो है 7.2% का। और आखिरी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जहां पर आपको बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो है नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट। नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट एक तरह का FD जैसा ही काम करता है जहां पर आपको 5 तरीके के FDs बुक करने का मौका मिलता है। इसके जो टाइप्स हैं वो है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का या फिर 5 साल का। तो यहाँ पे आपको जितने साल तक के लिए इन्वेस्ट करना है उतने साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ भी आप 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और यहाँ पे कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं है। और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो सारे ही इंटरेस्ट रेट्स इसके बढ़ गए हैं और ये जो इंटरेस्ट पे आउट है तो आपको ये जो मिलता इंटरेस्ट रेट मिलता है मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या फिर मैच्योरिटी के बाद। अब कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है ये चार्ट में देख सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम चार्ट में देखें तो फर्स्ट ईयर टाइम डिपॉजिट में 5.5 पहले इंटरेस्ट था 5.5% का और अब ये बढ़कर 6.6% हो गया, यानी कि 1% बढ़ गया है। दूसरा ईयर जो है, दूसरा टाइम डिपॉजिट, पहले आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 5.7% और अब ये बढ़कर 6.8% हो गया है। थ्री ईयर टाइम डिपॉजिट का पहले था 5.8% और अब ये बढ़कर 6.9% हो गया है। फाइव ईयर टाइम डिपॉजिट पहले इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर मिल रहा था 6.7% और अब ये बढ़कर 7.0% हो गया है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो अब हमने जाना कि कौन से ऐसे पांच पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं जहाँ पर आपको बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब मैं छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ये दिखाने के लिए कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अब आपको मिल सकता है। तो अब हम उदाहरण लेते हैं फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट का ही। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये FD कैलकुलेटर है और यहाँ पे प्रीसेट ऑलरेडी नंबर्स दिए हैं, इंटरेस्ट रेट दिया है और साथ ही टाइम पीरियड भी दिया गया हुआ है। तो इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हो, यहाँ पर मान लेते हैं आज अगर आपने 5 लाख रुपए इसमें जमा किए हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा ये देखते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इसको मॉडिफाई कर देते हैं, पहले आपको मिलता था 6.7% का और ये पीरियड टाइम पीरियड लेते हैं 5 ईयर्स का, 5 साल के लिए आप 5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं जहाँ पर पहले आपको इंटरेस्ट रेट मिलता था 6.7% का। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड रिटर्न है 1,97,033 रुपीज का। तो अब इसे और मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि अब आपको जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तब आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलने की संभावना है। तो अब ये इंटरेस्ट रेट बढ़कर 60% हो गया है। तो अब देखिए अगर आपने FD में 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपए और रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट है 7% का तो अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 2,07,389 रुपीज का। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें अंतर आ गया है। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अगर आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या फिर 5 साल का FD कराया है तो कितना ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो ये था FD का। वहीं दूसरी ओर देख लेते हैं कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको कितना मिलने की संभावना है। तो इसके लिए हम दूसरे कैलकुलेटर पर चले जाते हैं जो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम रिटर्न्स कैलकुलेटर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीसेट अमाउंट है जो है 1 लाख रुपए का और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6.6% का और लॉक इन पीरियड है 5 साल का, जैसा कि हम सब जानते हैं। और यहाँ पर मंथली इनकम जो आपको मिलता है इस स्कीम पर वो है 550 रुपए का। अब इसे थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, तो अब इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और इन्वेस्टेड अमाउंट हम रखते हैं 1 लाख रुपए का ही और पहले जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो 6.7 का था और 5 साल का ही ड्यूरेशन है, लॉक इन पीरियड 5 साल का है। तब आपको मंथली इनकम जो है हर महीने मासिक जो आपकी रकम है वो मिलता था 558 रुपीज़ का। अब देखते हैं अगर मान लेते हैं आपने मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट खोल रहे हैं तो 4.5 लाख का मैक्सिमम अमाउंट है। तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट है 4.5 लाख का, इंटरेस्ट रेट अब बढ़ गया है जो हो गया है 7.1% का और 5 साल का आपका लॉक इन पीरियड है। तो अब आप देख सकते हैं अगर आपने मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे डाला हुआ है तो अब आपको मंथली इनकम जो है वो मिलेगी 2,662 रुपीज का। वहीं अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं इसमें और अगर आप मैक्सिमम अमाउंट जो है 9 लाख का, जॉइंट अकाउंट में 9 लाख का अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.1% का, अगले 5 साल बाद आपको अपना प्रिंसिपल मिल जाएगा 9 लाख का और तब आपका हर महीने का जो इंटरेस्ट है या फिर इनकम है वो बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 5,324 रुपीज का। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको अब इंटरेस्ट रेट मिलने लगा है इन सारे ही पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर। तो उम्मीद करती हूँ इस पूरे वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी कि कौन कौन से पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। अगर आपको इन डिटेल जानना है इन सारे ही स्कीम्स के बारे में तो इसके लिए आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और थोड़ी वैल्यूबल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।